गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज मंडे है और सावन भी चल रहा है, तो हम सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पूजा कराएंगे। और लास्ट टाइम भी, पिछले सावन भी हम यही सोच रहे कि कथा कराएंगे, बट उस टाइम भी हम करा नहीं पाए। और इस बार भी बहुत दिनों से ऐसे हो रहा था कि कल कराएंगे, तो अब स्कूल की भी छुट्टी है, तो आज हम कथा करा रहे हैं। और दिन भी इतना अच्छा चल रहे हैं, सावन के दिन चल रहे हैं। फिलहाल तो पहले जाकर सारा पूजा का सामान लाना है और फिर आम की लकड़ी भी लानी है, तो आम की लकड़ी लेने चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो पास में ही जंगल में ही है यहाँ पर आम का बाग है, तो वहाँ से लकड़ी लाएंगे। सबसे भारी काम यही है, लकड़ी तोड़ने का पेड़ पे से। वैसे नीचे गिरी हुई मिल जाती हैं, तो चलो फिलहाल चलते हैं। और गाइज, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास फायरबोल्ट की वॉच थी तो वो ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मैंने कंपनी में, अभी वारंटी में थी, तो रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। रिप्लेसमेंट वरना रिपेयर होती है, तो मैंने डाल दिया था, तो वो मेरे पास से पिकअप भी हो गई और आज वो मुझे मिल भी गई। तो मैंने ओपन तो कर ली, बट मैंने अभी स्टार्ट करके चेक नहीं करी, तो चेक करते हैं। अब वैसे पैकिंग फायरबोल्ट की है, आपकी बार अच्छी पैकिंग है। अब न्यू वॉच मिली है, रिपेयर नहीं हुई, न्यू वॉच मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, ये वाला पैकेट आया आपकी बार फायरबोल्ट का। देखो भाई, ये रहा फायरबोल्ट। गाइस, पैकिंग तो अच्छी है ये रही। वैसे इसे देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ एक बार। न्यू मिली है, ये सब पैक था। ओपन करते हैं, देखो अब इसे ओपन करके देखते हैं। ये अच्छी है, इसमें वारंटी वगैरह जो है ना, ओरिजिनल चीज़ में यही चीज़ अच्छी रहती है, वारंटी क्लेम कर लो। वॉच रिप्लेसमेंट होके मिल गई, ख़राब हो गई थी। अब अगर ये भी ख़राब होती है आगे फ्यूचर में कभी, तो उसके लिए फिर वारंटी रिप्लेसमेंट ले लेंगे, वारंटी का यूज़ कर लेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रही वॉच, ये आपकी बार न्यू मिली है बिल्कुल। ये रहे, इस पर लेमिनेशन वगैरह भी चढ़ रही है ना फायरबोल्ट। और देखते हैं इसके अंदर आपकी बार क्या क्या मिला है। एक तो ये कुछ बिल वगैरह है शायद। गाइस देखो, आपकी बार सही है। चलो फिलहाल पहले आम की लकड़ी लेने चलते हैं। और देखो भाग गया, उसे पता था मैं उसे ले लूँगा। वो अब भी कार्टून ही देख रहा, मोगली पता नहीं क्या क्या कार्टून देखता रहता है। तो चलो पहले आम की लकड़ी लेने चलते हैं। और गाइस, 2 बज गए, इसकी इतने स्कूल की छुट्टी रहती है ना, पूरे दिन टीवी देखेगा, पूरे दिन पूरी मौज ले रहा है। तेरा छुट्टी है, देखो ये रहा, पकड़ लिया, पकड़ लिया है भाई। पूरे दिन टीवी देखना, मतलब टीवी पूरे देख लो बस। इनकी जिंदगी बढ़िया है, बस स्कूल का थोड़ा सा काम करना। भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, अब 28 को, आज तो 11 अगस्त है, 21 या 22 अगस्त को मैंने अपने लिए एक ड्रोन और मंगाया। पहले जो ड्रोन मंगाया था ना, वो इतना अच्छा नहीं था, उसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, तो वो मैंने कुछ टाइम बाद रिटर्न कर दिया था। वैसे मैंने रखा था, कुछ टाइम रखा था, फिर उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई जब मैंने नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाई, तो वो भी गारंटी में था, मैंने गारंटी में ही रिटर्न करा दिया था उसे, वो रिटर्न हो गया। तो अब की बार मैंने ड्रोन मंगाया है, पिछली बार तो वो कम प्राइस का था, अब की बार मैंने इजी कंपनी का मंगाया है। जो मॉडल नेम है वो मैं आपको आने के बाद ही बताऊंगा। और प्राइस जो है ना इसका 36,000 से ऊपर का है। वैसे 36 का क्या, 39,000 का है, मैं आपको रियल रेट बता देता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, तो वो ऑफर के साथ पड़ा है 39,000 का, तो लेने में भी कोई दिक्कत नहीं। और उसका जो रियल रेट है ना 69,000 है, तो वो ऑफर चल रहा है इस टाइम, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। अब मंगा के देखते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो भी जल्दी आ जाएगा, उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे जल्दी। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखे हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, और 4 किलोमीटर तक की रेंज वगैरह भी है, वो आने के बाद ही देखते हैं। लकड़ी लेने आए हैं आम की, तो पोस्ट तो गए, तो चलो अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। नीचे ही गिरी मिलेंगी, जितनी भी मिलेंगी। तो ये दीवार कब्रिस्तान है, मैं यहाँ के लिए हिम्मत नहीं है यहाँ तक आने की। सड़क पे से चला गया
बिल्कुल साइड में कब्रिस्तान है और इधर दीवार। कहीं देखो ये लकड़ी और भी तोड़नी है, यहाँ पे रख लेते हैं एक जगह पर ही। पापा उधर से तोड़े हैं और बारिश आने लगी, डर लग रहा है जिस पर खड़ा हूँ देखने के लिए। चलो आगे की ओर चलते हैं। बारिश पड़नी शुरू हो गई और देखो चश्मे में पानी लगा, बहुत तेज बारिश आई है। जब से नहीं पड़ी थी जैसे लकड़ी तोड़नी शुरू हुई, जब भी बारिश आ गई वो तो अच्छा हमने तोड़नी थी काफी सारी, और अब वो भी पूरी गिली और हो गई लकड़ी की। बढ़िया अंदर चलवा रहे, देखना सूखी हुई लकड़ी लाए थे सब भीग गई, बारिश बहुत तेज पड़ी एकदम से ही आई बारिश, सब भीग गई। आप पूछ पूछ के रखी है यहाँ पे, लकड़ी भीग गई सब सूखी हुई थी, वहाँ अच्छी खासी मौसम सही था इतना। अब बारिश आ गई बहुत तेज, आराम तो ना रहा फायदा होता है। बढ़िया आराम तो पूरा फायदा उठा रहे हैं आराम। फिलहाल रेडी तो हो गए, भाई फिलहाल कथा की समाप्ति हो गई, हवन की चल रही है तैयारी। आ रहा।